बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने आज लोकसभा चुनाव के लिए गांधीनगर से अपना नामांकन भरा। लेकिन क्या आपको पता है कि यूपी ने अमित शाह को किंग मेकर बनाने में अहम भूमिका निभाई थी? इससे पहले अमित शाह को कोई नहीं जानता था। आज हम आपको अपने इस वीडियो के जरिए बताएंगे कि कैसे अमित शाह ने यूपी के जरिए गांधीनगर तक का सफर तय किया। शाह ने बीजेपी को कार्यकर्ताओं के मामले में न केवल दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाया, बल्कि पार्टी को देश के कई अहम राज्यों में सत्ता दिलाने में भी अहम भूमिका निभाई। उनको ऐसे ही राजनीति का चाणक्य नहीं कहा जाता है। शाह ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी के 14 साल के वनवास को खत्म किया था, जिसके बाद से भाजपा में अमित शाह को नई पहचान मिली। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी 2014 में केंद्र की सत्ता में आई थी। सत्ता में आने के बाद राजनाथ सिंह की जगह अमित शाह ने बीजेपी चीफ की कमान संभाली थी। 2014 में अमित शाह को पहली बार बीजेपी के अध्यक्ष पद की गद्दी देने के पीछे लोकसभा चुनाव में उनका प्रदर्शन रहा। अमित शाह यूपी के लोकसभा चुनाव 2014 में बीजेपी की जीत के प्रमुख रणनीतिकार बनकर उभरे। वह उस समय यूपी बीजेपी के इंचार्ज थे और बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए को यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 73 में जीत दिलाई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 2014 लोकसभा चुनाव से पहले अमित शाह ने पूरा एक साल राज्य में बिताया। इस दौरान उन्होंने हर दृष्टिकोण से यूपी का मुआयना किया था। यहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जमीनी स्तर पर काम किया था, साथ ही बीजेपी के विकास के एजेंडे के साथ तब बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के विजन को बुनाने में खास जोर दिया था। 2016 में वह दूसरी बार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। अमित शाह के नेतृत्व की ताकत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 2014 से अब तक बीजेपी ने 22 राज्यों में विधानसभा चुनाव लड़ा है, जिससे 14 राज्यों में एनडीए की सरकार बनी। इसमें यूपी, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, जम्मू कश्मीर, असम, त्रिपुरा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड शामिल हैं, जबकि केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पांडिचेरी और कर्नाटक चुनाव में बीजेपी ने अपने प्रदर्शन में सुधार किया था। अपने 4 साल के कार्यकाल में शाह ने पार्टी को कई राज्यों में जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। हर चुनाव को मिशन की तरह लेने वाले शाह की नजर अब 2019 के लोकसभा चुनाव पर लगी हुई है। अमित शाह पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। नामांकन से पहले अहमदाबाद में अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं आडवाणी जी की विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। इस जनसभा को गृह मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, अकाली दल के नेता प्रकाश सिंह बादल ने भी संबोधित किया। अमित शाह लालकृष्ण आडवाणी की सीट से उम्मीदवार हैं। इस बार भाजपा ने लालकृष्ण का टिकट काट दिया और वहां से अमित शाह को चुनावी मैदान में उतारा। गांधीनगर को बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। साल 1979 से लेकर अभी तक इस सीट से केवल बीजेपी को जीत मिली है। लालकृष्ण आडवाणी 1991 से पहली बार, साल 1989 से लेकर अभी तक इस सीट से केवल बीजेपी को जीत मिली है। लालकृष्ण आडवाणी 1991 में पहली बार चुनाव लड़े थे। लालकृष्ण आडवाणी इस सीट से 1998 से लेकर 2014 तक यानी 6 बार सांसद रह चुके हैं।